नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। कई दिनों से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि जल्द ही बिहार में बड़ा खेला होने वाला है और जेडीयू में बड़ी फूट देखने को मिलेगी। अब इन सब के बीच में नीतीश कुमार का रिएक्शन सामने आया है। इसी के साथ ही तेजस्वी यादव का भी जो बयान है वो इस मामले में देखने को मिला है। इनके बयान जो है वो ये कह रहे हैं कि कोई भी फूट या फिर किसी भी तरीके की टूट नहीं होने वाली है, ये बस एक अफवाह है, बकवास है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से न सिर्फ बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई सारे विधायक और मंत्री उनके संपर्क में हैं, बल्कि चिराग पासवान और जेडीयू से अलग होकर के अपनी एक पार्टी बनाए जो नेता है उपेंद्र कुशवाहा, उनके द्वारा भी बकायदा यह दावा किया गया है कि जेडीयू के कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि बस एक शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही जेडीयू की नाव डूबेगी ये तमाम नेता अपना अपना रास्ता, अपना अपना दामन थाम लेंगे। यानी कि कोई बीजेपी में शामिल हो जाएगा, कोई उपेंद्र कुशवाहा के साथ शामिल हो जाएगा, तो कोई चिराग पासवान के साथ शामिल हो जाएगा। लेकिन सियासी गलियारों में जिस तरीके से अटकलें चल रही है इसके मुताबिक जेडीयू के कई सारे ऐसे नेता और विधायक हैं जो कि बीजेपी से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू में टूट को लेकर के चल रही बयानबाजी पर अपना रिएक्शन दिया है। अब नीतीश कुमार ने ये कहा है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, इन सब चीजों का प्रचार हो रहा है, हम ये सब देखना भी छोड़ चुके हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा बीजेपी को कौन रोक रहा है, जेडीयू टूट रही है तो वो तोड़ ले, बहुत अच्छा होगा। वे चलते चलते ये भी कह गए कि कौन टूट रहा है। आपकी पार्टी तोड़ने की बात कही जा रही है, टूट का दावा सुशील मोदी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट जाएगी। आप उनको कह नहीं पता इधर इधर सामने सर कैमरा के तरफ देख। अरे वो तो जब सारे आप लोगों को बर्बाद कर ही दिया है तब फिर हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में तो छोड़ना दीजिए। कह रहे आप गवर्नर मतलब कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी सब चीज का प्रचार होता है, अब देखना बंद कर दिए। गवर्नर बनना चाहते थे, गवर्नर बनना चाहते थे, सुशील मोदी कह रहे हैं। अरे तुम क्या गवर्नर बनने की इच्छुक हैं? तो ये तमाम बातें जो है, हालांकि पहले तो नीतीश कुमार सवालों के जवाबों से बचते हुए नजर आए, लेकिन बाद में जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई टूट नहीं हो रही है। और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ये कह दिया कि अगर टूट हो रही है, अगर पार्टी टूट रही है तो फिर बीजेपी तोड़ दे। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस टूट की खबरों पर मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्हें नीतीश कुमार और लल्लन सिंह पर किए गए सवालों से भी बचते हुए देखा गया। बता दें कि जब मीडिया द्वारा रविवार को यह सवाल उनसे पूछा गया कि बीजेपी का कहना है कि जेडीयू में टूट होने वाली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इन अफवाहों से कुछ होने वाला तो नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। जो मीडिया में एक जो विशेष वर्ग है और बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बात है। लेकिन फिर भी ये चीजें आ रही है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पिछले साल 9 अगस्त को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बिहार में तो एक हुए ही हैं लेकिन देश भर में लोगों को एक करेंगे, उसमें हम लोग सफलता पाई। और हम लोगों की इच्छा यही है जो लोग सत्ता में अभी काबिज हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं, इनको जो है इन सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए हम लोग एक हुए हैं और पूरी ताकत के साथ एक साथ जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आरजेडी पर दबाव बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह से कुछ कोई नहीं, वो सब बेकार की बात है। इन लोगों असल में बहुत दिन से बहुत लोग टीवी पे आया नहीं है तो कुछ ना कुछ बोल करके आ जाए, अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा लायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा लायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया, बचा कौन है?
आपको बता दें, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेडीयू में बड़ी फूट की बात कही गई थी। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फिगर जल्द आप लोगों के सामने होगा और ये सब जो बातें कह रही हैं जेडीयू को लेकर के, वो सारी बातें झूठी हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बता दें, दरअसल सोमवार को गांधी जयंती पर सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने गांधी मैदान पहुंचे थे। पत्रकारों से बात करने के दौरान सीएम के पीछे मंत्री अशोक चौधरी भी खड़े नजर आए। मीडिया ने ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच चल रहे विवाद पर भी सवाल किया तो वो बिना प्रतिक्रिया दिए वहां से चले गए। आपको बता दें कि जेडीयू के ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच विवाद लगातार जारी है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने जमुई बार बार जाने को लेकर के अशोक चौधरी से सवाल उठाया था और ये तमाम चीजें जो हैं वो एक बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुई थी। और ऐसे में देखा जा सकता है कि कैसे जेडीयू में आपस में जो नेता है वो एक दूसरे से तू-तू मैं-मैं कर रहे हैं। ये दोनों जो नेता है वो आपस में नहीं बन रही है तो कुछ नेता जो है वो जेडीयू के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि जेडीयू को लेकर के दो बड़े नेताओं का बयान सामने आया। नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह ने नालंदा के कार्यक्रम में बड़ी बात कही है। आरसीपी सिंह ने कहा कि इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि सीएम के सामने पार्टी के दो बड़े नेता आपस में इस तरीके से जो है बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, जेडीयू डूब गई है। पार्टी का विधायक कहता है कि सरकार के मंत्री उसकी हत्या करा सकते हैं, इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की अभी और दुर्गति लिखी हुई है, बहुत जल्द इसका भी परिणाम सामने आ जाएगा। उधर सासाराम पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू बड़ी टूट का शिकार हो चुकी है, उसके कई नेता उनके पार्टी के संपर्क में हैं। वहीं दूसरी ओर लालू यादव भी एक सूत्र के हवाले से अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ध्यान रहे कि अभी हाल ही में रणवीर नंदन जैसे पुराने नेता ने पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सियासी सफोकेशन के शिकार हो चुके हैं, वो आरजेडी नेता ललन सिंह और लालू यादव के बीच फंस चुके हैं। रणवीर नंदन ने कहा है कि जानबूझ करके ललन सिंह को आरजेडी नेता बता रहा हूं, यानी कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि कैसे ललन सिंह जो है वो आरजेडी के पक्ष में ज्यादा बयानबाजी करते हैं और इसी के साथ ही ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में फूट देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही आरसीपी सिंह ने भी खुद ये कह दिया है कि अब जेडीयू की जो स्थिति है और भी ज्यादा बुरी होने वाली है। उधर खुद जब जेडीयू के नेता ही इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हो नीतीश कुमार की पार्टी और जेडीयू को लेकर के, तो फिर क्या कहा जाए। दूसरी ओर अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में कई सारे ऐसे नेता हैं, फिर चाहे वो सम्राट चौधरी हो, सुशील मोदी हो, कई लोगों का ये कहना है कि जल्द ही बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में टूट देखने को मिलेगी। और जहां बिहार की सियासत में ये मुद्दा गरमाया हुआ है, कहा जा रहा है कि बिहार में जल्द ही बड़ा खेला होगा और नीतीश की पार्टी के तमाम नेता दूसरी पार्टी अपना लेंगे और एक दूसरे को जो है साथ छोड़ देंगे, अलग दामन थाम लेंगे। तो वही अब इन तमाम आरोपों को, तमाम बयानबाजी और अटकलों को लेकर के नीतीश कुमार का ये कहना है कि ऐसी कोई भी चीजें नहीं होने वाली है, उनकी पार्टी में कोई भी फूट नहीं होगी। और साथ ही जब मीडिया ने उनसे कहा कि बीजेपी ऐसा कह रही है, तब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अगर बीजेपी पार्टी तोड़ रही है तो वो तोड़ ले, यानी कि सीधे तौर पर ये कहे कि कटाक्ष है या चुनौती है जो कि नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। पहला वाक्य तो हमेशा से नीतीश कुमार के साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई मुद्दा बिहार में या फिर देश में होता है तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती, उन्हें पहले इस मामले में बताया जाता है तब जाकर के वो कहीं इन सवालों का जवाब दे पाते हैं। अगर मीडिया डायरेक्ट उनसे सवाल पूछे तो वो किसी मामले को जानते ही नहीं है और फिर उसके सवालों के जवाब से बचते हुए नजर आते हैं या फिर उलझलूल जवाब देते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी कई दफा नीतीश कुमार को इस तरीके के सिचुएशन का सामना करते हुए देखा जा सकता है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो कि एक बहुत बड़ा विषय था भारत के लिए और भारत के गर्व के लिए,
यहाँ पर जब उनसे सवाल मीडिया के द्वारा किया जाता है चंद्रयान 3 को लेकर के, तो वो अपने बगल में खड़े मंत्री से बात करते हैं, फिर जा करके इस सवाल का जवाब देते हैं। यानी कि उन्हें ये नहीं पता था कि चंद्रयान 3 क्या है और इस बारे में पत्रकार उनसे सवाल क्यों कर रहा है। इसी के साथ ही एक मसला और, अगर आपको याद हो तो हाल ही में एक शिकायत उनके पास आई थी जिसका निपटारा बिहार के गृह मंत्री के द्वारा किया जा सकता था, और नीतीश कुमार जो है वो बिहार के गृह राज्य मंत्री को कॉल करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि राज्य का गृह मंत्री तो खुद नीतीश कुमार है। यानी कि इस तरीके से सिचुएशन लगातार देखने को मिलती है। अब ऐसे में कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार को ये बातें पता है कि उनके पार्टी के अपने ही नेता जो है बीजेपी के संपर्क में है, और जल्द ही इसमें टूट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब इस तरीके के मुद्दों की जानकारी नीतीश कुमार को नहीं होती है, तो पार्टी से जुड़े इस मामलों की जानकारी क्या वाकई में नीतीश कुमार को है, या फिर वो बस मीडिया के सवालों से बच रहे हैं और मीडिया को जवाब देने के लिए ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई फूट जेडीयू में नहीं होने वाली है, और ये सब जो बातें चल रही है, जो अटकलें चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेतुकी बात है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।